हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में कुछ नया है फ्रेंड्स। मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया में घर कैसे बनाए जाते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये लकड़ी का फ्रेम। अब मैं आपको ये डिटेल में दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले लेवल किया जाता है, एक सार किया जाता है ज़मीन को। उसके ऊपर सीमेंट से ये स्लैब बनाई जाती है जो आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं स्लैब्स। और उसके बाद लकड़ियों का स्ट्रक्चर बना के ऐसा तैयार किया जाता है। ये पूरा घर लकड़ी का बनाया जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, इस पूरे घर में लकड़ियाँ यूज़ की जाती हैं। कोई इंडिया की तरह से लेंटर नहीं डलता और ना ही इतना ज़्यादा इसमें ईंटों का यूज़ किया जाता है। स्लैब डालने के बाद टिम्बर से फ्रेम बनाया जाता है और घर का प्रोसेस ये यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ पर इन घरों की एक खासियत है कि गर्मियों में गर्मी नहीं लगती और सर्दियों में सर्दी नहीं लगती, क्योंकि इसमें इंसुलेशन फिट करते हैं लोग। यहाँ के घरों के अंदर जो दीवार बनाई जाती है उसके अंदर बना बनाया रेडीमेड इंसुलेशन मिलता है, उसको वो दीवार के अंदर फिट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टेम्परेचर बाहर 25 है तो घर के अंदर 23 होगा। गर्मियों में, ये गर्मियों का टेम्परेचर है, अगर सर्दियों में टेम्परेचर 10 है तो घर के अंदर वो 13 या 12 होगा, ऐसे होता है। तो सर्दियों में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती घर के अंदर और गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, क्योंकि इंसुलेशन लगा होता है दीवारों में। इसलिए घर की रूफ़ के लिए यानी कि छत के लिए यहाँ पर टाइल्स का यूज़ किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, हवा बहुत तेज़ चलती है, इसलिए छत पर टाइल्स का यूज़ किया जाता है। एक और अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के घरों के अंदर कभी भी दीमक नहीं लगती, क्योंकि यहाँ की जो टिम्बर है ना वो बहुत अच्छी होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर घर 6 मंथ में रेडी हो जाते हैं। काफ़ी बड़ा घर है ये, टाउन हाउस है ये। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। अभी नहीं जा सकते क्योंकि ये जो फेंसिंग लगाई हुई है चारों तरफ से बंद है और यहाँ आज काम करने वाले भी नहीं हैं। आप देख सकते हैं, टाउन हाउस है। मेन डोर ऊपर का बड़े अच्छे से बनाया गया, बिल्कुल सामने ही ये बस स्टॉप है। ये देखिए, ये रोड है यहाँ पे और ये इस घर के आसपास के घर यहाँ बने हुए हैं। फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि घर लकड़ी का है तो इसलिए जल्दी टूट जाएगा, नहीं, यहाँ के घर की लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। 35 से 40 साल के बाद ही रेनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है घर को। कैसे गंजे गंजे से पेड़ हैं, बिना पत्तों के, सारे पत्ते झड़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के घरों के अंदर मोस्टली टिम्बर यानी कि लकड़ी जो अच्छी क्वालिटी की होती है वो, और ग्लास यानी कि कांच, ग्लास और कांच का यूज़ ज़्यादा होता है। घर के अंदर मोस्टली लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, लकड़ियों से बनाया जाता है, लेकिन घर के बाहर ईंटों का यूज़ किया जाता है। घर को बाहर से देखने से नहीं पता चलता कि घर अंदर से लकड़ियों का बना है। घर बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। वो घर ऐसा दिखाई देगा बनने के बाद, कितना प्यारा लग रहा है। इसको बोलते हैं टाउन हाउस या स्टोरी हाउस। फ्रेंड्स, इस घर की छत पर टाइल्स का यूज किया गया है, ये देखिए। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि अंदर से घर कैसा दिखता है, पूरा लकड़ी वाला घर अंदर से कैसे दिखाई देता है, कैसे बना रखा है। वो पूरा घर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।